नमस्कार, लेट्स कुक विद प्रोशिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर क्रीमी मसाला। वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए देखते हैं हमारा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हमें। पनीर में ले रही हूँ 200 ग्राम प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, टमाटो प्यूरी और हल्दी पाउडर, और उसके साथ साथ हमें चाहिए यह है करी मसाला, गरम मसाला, रेड चिल्ली, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चीनी, तेजपत्ता ले रही हूँ, लौंग, इलायची। आप डिटेल्स इंग्रेडिएंट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और दूसरे रेसिपी वगैरह भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। देखिए कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे, हमें थोड़ा तेल भी चाहिए तो तेल डालेंगे, कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून आप हम लेंगे। आप तेल की जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम इसमें खड़े मसाला डाल देंगे, तेजपत्ता, इलायची और लौंग। इसको थोड़ा हम भून लेंगे। देखिए थोड़ा भून जाने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था। इसमें मैं ले रही हूँ 1 प्याज और 8 से 10 कलियां लहसुन और छोटा सा पीस अदरक। ये तीनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और प्याज अलग से हम कटा हुआ नहीं ले रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक या पानी उड़ने तक। ये अभी थोड़ा थोड़ा पानी उड़ गया है इसका, अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट है। इसमें हम सारे अभी मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ये है मसाला पाउडर, वेजिटेबल मसाला मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, नमक आपके स्वादानुसार और हल्दी पाउडर लेंगे। हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ले सकते हैं। इसको थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी के साथ अच्छी तरह से मसाले भून जाए ऐसे हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे, या फिर ढक्कन भी लगा सकते हैं। बिना ढक्कन लगाए हुए भी ये पक जाता है लगभग 5 मिनट में। इस समय आप सिम कर दीजिए गैस को। अभी थोड़ा थोड़ा हमारा टमाटो प्यूरी के साथ जो मसाले हैं पानी उड़ जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। ये देखिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ लगभग 5 मिनट के लिए और थोड़ा मीडियम आंच में रख दिया है। 5 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ कि हमारा जो मसाले के साथ टमाटो प्यूरी है अच्छी तरह से पक गया है। अभी हम स्टेज में हम डालेंगे क्रीम। ये मैंने घर में बना हुआ क्रीम ले रही हूँ। आप चाहे तो मार्केट से जो मिलता है क्रीम वो भी डाल सकते हैं। मैंने लो फेट का क्रीम इस्तेमाल किया है। क्रीम डाल के भी हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगे। अभी हम देखेंगे खोल के कि देखिए अभी क्रीम के साथ मसाले, टमाटर प्यूरी सारे पक गए हैं, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। स्टेज में हम डालेंगे पनीर। पनीर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम थोड़ा सा हम जितना क्वांटिटी का हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी लेना है। मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें हम पानी डाल देंगे, देखिए 1 कप पानी डाल के हम इसको भी थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि जो हमारे पनीर है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए।
देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आने लगा है, अभी इसमें हम ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट्स के लिए। अभी हम खोल के देख सकते हैं, 5 मिनट्स हो गया है। 5 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, देखिए तेल थोड़ा छोड़ने लगा है और अच्छा हमारा पनीर जो है सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम डालेंगे इसमें लास्ट स्टेज में डालेंगे थोड़ा गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर हम लास्ट में इस्तेमाल। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी और मिक्स कर देंगे। इसको आप रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।